अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। झज्जर जिले के हसनपुर गांव में स्थित MR सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक राज्य स्तरीय किशोर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें झज्जर सहित अन्य जिलों के विद्यार्थियों ने भी शिरकत की और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन किया। MR स्कूल के संचालक सोमवीर कोडान की माने तो विद्यार्थियों को तराशने के लिए वे समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं और साथ ही उन्हें पारितोषिक भी करते हैं। आज किशोर प्रतिभा खोज कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए इनामों की बौछार की गई, साथ ही लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। इसमें पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को लैपटॉप, दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को साइकिल और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को घड़ी इनाम के तौर पर दी गई। सोमवीर कोड़ान ने बताया कि MR सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा हमेशा कुछ बेहतरीन करने की परंपरा चली आ रही है, उसी के अनुसार आज राज्य स्तरीय किशोर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है और समय समय पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाकर उन्हें पारितोषिक भी करते हैं। आज कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वहीं आज स्कूली विद्यार्थियों ने मंच के माध्यम से अपने गीतों की बौछार भी की। आसान होता है हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहां होता है। A very warm and pleasant welcome to all with great core of our heart in MR group of institutions. We thank to all just because of you all have come here and spared your... इस अवसर पर प्रतिभागियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। नाम आपका? आज वो बताएंगे कि आपने लकी ड्रॉ से आपने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है, तो इसके बारे में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। कहां से आए आप? ये आपका आपने जो फर्स्ट प्राइज जीता है, इसका श्रेय किसी किसको देना चाहेंगे आप? मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर और जो मैं ट्यूशन जाती हूं। क्या नाम आपका? सुहानी। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। आपने कितने कौन सा प्राइज प्राप्त किया? आपने जो साइकिल प्राप्त किया है कौन से? सेकंड। कैसा लगा आपको? स्कॉलरशिप की जो टेस्ट की तैयारी की थी आपने, वो किस तरीके से की थी? जी, तो आप ये सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी दीदी, अपनी मम्मी को देना चाहूँगी, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। वहीं संचालन समिति के सदस्यों ने बताया कि आज उनके स्कूल में राज्य स्तरीय किशोर प्रतिभा का आयोजन कराया गया है, जिसमें अनेक जिलों के विद्यार्थियों ने शिरकत की है। सर, एक्चुअली आवर मेन कंसर्न इज टू डेवलप टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज स्पेशली टू द स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग इन remote areas in villages and the parents who can't afford the charges of schooling of their wards in private schools. That's why we have provided them this opportunity to meritorious students. They are going to get scholarships as the test is being named as MR Talent Hunt Exam. सर, ये आयोजन समय समय पर करवाया जाता है, ये पहली बार ये आयोजन करवाया? सर, इट्स वी कंडक्ट इट एवरी ईच एंड एवरी ईयर एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सर, एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन करवाया गया था, जिसमें लैपटॉप का पहला इनाम था और साइकिल दूसरा इनाम दिया गया और तीसरे इनाम पर घड़ी का रखा गया था उसको। जी जी जी, एक्चुअली वी ऑर्गेनाइज लकी ड्रॉस। Some students couldn't get benefit of a scholarship test and we want to provide them opportunity in lucky draws.
सर आपके एमआर स्कूल में जो एनआईटी की बात की थी आपने, एनडीए के जो बच्चे के लिए टेस्ट करते हैं उनके बारे में आप किस तरह से तैयारी करवाते हैं? सर एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ स्कूलिंग ऑफ अवर स्कूल. वी फोकस ऑन एकेडमिक्स एज वेल एज कल्चरल एंड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा क्लासेस, कोचिंग एक्सपर्ट्स, इवनिंग क्लासेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेज. और खेलों में भी आपने बताया था कि खेलों में यस यस वी आर हैविंग सुपर फैसिलिटीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल कैंपस. We are having the best swing range of district judges in our school. We are having cricket complex to groom cricketing skills of the students, and at the same time we are having many facilities of indoor and outdoor games. सर एक बात और, आपने बात की थी जो पुलवामा हमला हुआ तो उसमें आतंकियों ने हमला किया था, हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके बारे में आप क्या? एक्चुअली सर एज द होल कंट्री इज ग्रीव्ड एंड पेन्ड एंड वी आर ऑल्सो डीपली हर्ट, डीपली ग्रीव्ड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट एंड वी आर वेरी वेरी सैड फॉर दैट एंड टू पे ट्रिब्यूट द जवान्स ऑफ पुलवामा इंसिडेंट. टूडे वी हैव ऑर्गेनाइज कंडोलेंस मीटिंग एंड वी हैव गिवन दैम फ्लोरल ट्रिब्यूट्स with the help of our parents, our students. At the same time, MR management and students and parents, all people showed their concern and it can be seen that they were very, very deeply hurt by this incident. सर आज जो आपके स्कूल में बच्चे आए और उन्होंने ये प्रतियोगिता में इनाम जीते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? Actually, MR also believes in utmost grooming of the students. Our main focus is to provide quality education in rural areas. We are providing best facilities for those students who are talented, who are gifted. We would also like to welcome all the parents of the students who their votes are excellent in academics, in games and sports. थैंक यू सर. हम 2015 से इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं और हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे आसपास जो देहाती इलाके में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी प्रतिभागी हैं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ निकल कर आए. और हमने हर साल हम जो भी एडमिशन टेस्ट लेते थे उसमें हमारा मेन मकसद होता था कि बच्चे को उनकी फीस के अंदर कुछ डिबेट दी जाए, लेकिन इस साल हमने अपने स्कॉलरशिप टेस्ट को थोड़ा सा अलग किया है. अब की बार हमने बच्चों को नगद पुरस्कार दिए हैं और इसी के साथ लक्की ड्रा सिस्टम भी है. और जो भी अब की बार हमने रिजल्ट भी उनको उसी डे में दिया है जिससे किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और वो अपना रिजल्ट एक फेयर तरीके से हमने रिजल्ट निकलवाया है. हालांकि मैं मानती हूँ कि इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने काफ़ी सहयोग किया. इसके लिए मैं पेरेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी. जो लकी ड्रॉ सिस्टम था वो भी हमने स्टूडेंट्स जो बाहर के स्कूल से आए थे और पेरेंट्स से ही उस सिस्टम को करवाया था और वो सब कुछ ओपन था जैसा कि आप सभी देख रहे थे. तो उसमें इस प्रकार का कोई भी मतलब धांधलीबाजी नहीं थी. और सबसे अच्छा फीडबैक है कि पेरेंट्स इससे खुश होकर गए हैं, जो बाहर से बच्चे आए थे वो खुश होकर गए हैं. इसमें काफ़ी पोजिशन एमआरएंस ने ली है और काफ़ी पोजिशन बाहर के स्टूडेंट्स ने भी ली है. तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये प्रोग्राम और आगे भी हम इस तरह के इवेंट करवाते रहेंगे. जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इनाम मिले हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे जिस लेवल के ऊपर थे उसके उसी के अकॉर्डिंग उनको इनाम दिए गए हैं जो भी पोजीशन थी. तो इससे पेरेंट्स को भी ये पता चला है कि मेरे बच्चे, जैसे आज आप देख रहे थे कि 1500 स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और एक क्लास के अंदर कम से कम 200 या 250 के समथिंग स्टूडेंट्स थे. तो उनको ये लगा कि हमारा बच्चा 250 में और काफ़ी स्कूलों में कम से कम एक ही क्लास के अंदर 50 से 60 स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट कर रखा था, उन बच्चों में हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है. तो इससे पेरेंट्स का भी भरोसा इसके ऊपर कायम, अपने बच्चे पर कायम हुआ है, बच्चे का भी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है और हमें भी पता चला कि हमारे देहाती इलाके में बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं. एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया था yes. तो उसके उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लकी ड्रॉ एक
ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि उसमें पोजीशन ही पोजीशन वाले बच्चे ही रहेंगे। लकी ड्रॉ ये है कि एक बच्चों को उत्साहित करने के लिए कि उसमें बच्चे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इस तरह के प्रोग्राम में, ताकि वो आगे मतलब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, अपनी प्रतिभा को दिखाएं, इसीलिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। एक मैडम NIT और NDA के बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं, उनके बारे में। यस सर, हम आज हमने इसी के साथ, जैसे आप बाहर से देखते हुए आ रहे थे स्कूल कैंपस में, जैसे ही आप लोगों ने एंट्री की है हमारे स्कूल कैंपस के अंदर, दोनों साइड में जो MRN स्टार है उनकी फोटोज लगी हुई है, तो जो टीचर्स हैं वो बिना किसी कोचिंग के हमारे स्कूल के बच्चे NIT और PMT वगैरह की टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। जो पुलवामा हमला हुआ था, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, आज कैंडल मार्च के द्वारा वहां पे उनके श्रद्धांजलि दी गई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हमने भी, हमें पता है कि ये हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए बड़ी ही दुखद घटना है, और हमें ये भी पता था कि जो हम स्कूल में ये आयोजन कर रहे थे काफ़ी दिन से चला हुआ था, तो इसको भी हम आगे नहीं पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन उसी से रिगार्डिंग हमने भी उन सभी शहीदों को कैंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी है, सभी पेरेंट्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने और सभी स्टाफ मेंबर ने, और मैं इसके लिए सब स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगी जो MRN टीम है टीचर्स की, उनका कि उनके सहयोग से आज का जो इवेंट है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। सोमवीर कोड़ान ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं वे करवाते रहते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिल सके। देखिए, ये आयोजन हम प्रतिवर्ष कराते हैं, पिछले 4 साल से हम लगातार ये MR स्टेट लेवल यूथ टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आयोजित कराते हैं, और इसका मकसद है हमारे इलाके में जो प्रतिभाएं हैं उनको अवसर देना, उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना, जहां ना सिर्फ उनको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेज मिलते हैं बल्कि उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच भी मिलता है, और बिल्कुल फेयर ये रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं हम, और उसी के लिए हमारी पहचान है। MR स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे जो टीम है, जो MRN यूनिट है स्टाफ मेंबर्स की, वो बहुत ही शानदार है, डायनामिक स्टाफ मेंबर हैं, और उन सब के सहयोग से बहुत ही अच्छा इवेंट आज आयोजित किया गया यहाँ पे। सर, एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन करवाया गया था जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। जी, उसके बारे में देखिए, लकी ड्रॉ थोड़ा सा इसलिए होता है कि वो बच्चे जो अकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं अवसर रहता है सभी बच्चों के लिए कि वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएं, उसमें एकेडमिक्स बियॉन्ड हो जाता है उसमें, तो लकी ड्रॉ का मकसद ही, हमने 20 उसके थर्ड पोजीशन पे 20 प्राइज रखे हैं, थर्ड पोजीशन के लिए 20 घड़ियाँ हमने दी हैं, तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिले बच्चों को, प्राइजेस मिले, जिसका नाम निकला उसको खुशी मिले यहाँ के कि अच्छा लगा, हमें लैपटॉप जो काम आता है डेली हमारे नीड्स में बच्चों को, जिसके लिए उनको फ़ायदा होता है, ऐसे प्राइजेज हमने रखे हैं, साइकिल हमने सेकंड प्राइज के लिए नाम रखी है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि वो यहाँ पहुँचे, उन्हें अपने पढ़ाई में से कीमती समय निकाल के यहाँ पे, आज भी ये इवेंट एक एकेडमिक इवेंट ही है, इसमें बच्चे अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और जितने भी विजेता स्टूडेंट रहे उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा, और इन फ्यूचर भी वो इस तरह का परफॉर्मेंस करें, ये भी मैं उनको कहना चाहूँगा। सर, एक NIT और NDA के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमने शुरुआत से ही MR की पहचान रही है ट्रू रिजल्ट के लिए। MR की कई बार एक दो क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत टॉपर नहीं निकला, लेकिन टॉपर नहीं निकले तो जब 12th पास करते हैं और जब तुरंत उसके बाद IIT और दूसरे रिजल्ट आते हैं, उसमें बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, तो इसके ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है आज के। 99% अचीव करना बड़ी बात नहीं है, 80% स्कोर अचीव करके एग्जामिनेशन क्रैक करना, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बड़ी बात है। पिछले 2 साल से हम CBSE के टॉपर रहे हैं 10th क्लास में, और लास्ट बेस्ट तो हमारा ओवरऑल मेरिट थे, ऐसा पहला स्कूल है जिसमें 80 स्टूडेंट थे, 80 के 80 स्टूडेंट अबोव 82% थे, मिनिमम परसेंटेज थी वो 82% थे, तो ये अपने आप में मायने रखते। 28 स्टूडेंट CBSE के 10th CGPM स्कोर थे, उन सबको स्कूल ने 5100 रुपीज कैश प्राइज दिया हमने, और हमारे 7 स्टूडेंट इस बार, 6 स्टूडेंट हमारे नेशनल क्वालिफाई किए इसके लिए शूटिंग के गेम के लिए, और शूटिंग में खेलो इंडिया में 2 बच्चे गए हमारे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनीस ढाकला से अंडर जो जूनियर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसमें खेलो इंडिया में गए और क्लस्टर के चैंपियन रहे आपके CBSE में, सभी को 3-3 साढ़े 3-3 लाख रुपये इनाम मिले हैं वहाँ पे,
और इसके साथ साथ हमारे एथलीट्स में नेपाल में एक बच्चा 400 रिले रेस में गोल्ड मेडल लेके आया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दो बच्चे NIT में गए हैं, दो बच्चे एक IIT कानपुर और एक बच्चा हमारा रांची में झारखंड में उस IIT में उसका एडमिशन हुआ है। इसके साथ साथ दो बच्चे NIT क्वालिफाई किए हैं, एक बच्चा KMC टॉप मेडिकल कॉलेज है KMC मणिपाल, उसमें एडमिशन हुआ है उसका। एक बच्चे का अपना हिंदू राव कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ पे कुंजिया गांव से, कुंजिया जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है और फिर भी वहाँ के बच्चे NIT क्वालिफाई करें, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। सर, स्पोर्ट्स की तैयारी किस तरह से करवाई जाती है? हाँ, ये आपका मेन क्वेश्चन यही था कि स्पोर्ट्स और उन बच्चों की एकेडमिक्स की तैयारी कैसे करें। मैं एकेडमिक्स से लेके चलूँगा। एकेडमिक्स में हमारे अच्छे रिजल्ट आए हैं, हमने पिछले 3 साल से हमने कोशिश की है कि जुलाई से लेके और नवम्बर तक हम एक्स्ट्रा 2 घंटे डे बोर्डिंग लगाते हैं। उसमें हमारे PGTs हैं वो 8 आवर्स के लिए रहते हैं और जो भी कंपटीशन की फैकल्टी वो 8 आवर्स के लिए रहते हैं, 2 घंटे लगातार कंपल्सरी 9 to 12 हम पढ़ाते हैं। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि टाइम से सिलेबस कवर होता है और उनकी रिवीजन अच्छी होती है, कंपटीशन के सिलेबस को इंक्लूड कर पाते हैं, क्योंकि टाइम से अगर आपका सिलेबस फिनिश हो रहा है तो उसके बाद कंपटीशन लेवल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के बच्चे, देखिए कभी किसी स्पोर्ट्स पीरियड की वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते कि एक 40 मिनट्स का पीरियड आया और इस बच्चे को गेम में हम आगे निकाल दें। उसमें सिर्फ सिलेक्शन हो सकता है, उस बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में कोचिंग कोचेज है हमारे पास, सब गेम के इवनिंग में बच्चे आते हैं, देर तक यहाँ खेलते हैं, नाइट में प्रैक्टिस करते हैं। शूटिंग रेंज है हमारी बहुत ही आउट क्लास शूटिंग रेंज है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन शूटिंग रेंज है। आप विजिट करें, मैं आपको भी कहना चाहूंगा एक बार जरूर देखें, आप अपने फोटो भी लें वहाँ पे। जैसा कि अपना MR स्कूल में श्रद्धांजलि दी गई है और कैंडल मार्च भी निकाला है, पुलवामा जो हमला हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मेरी निजी फीलिंग थी, सुबह सुबह ही मैंने अपने सभी स्टाफ से, मैंने प्रिंसिपल मैडम को बोला था कि हमें सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना घटी है और बहुत रोष में है पूरा देश, बहुत ज़्यादा संवेदना व्यक्त करते हैं हम उन परिवारों के प्रति जो हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं, तो उनके लिए हमने उन सब के फोटोग्राफ्स यहाँ पोर्ट्रेट बना के पेरेंट्स को सबसे पहले कैंपस में एंट्री करते ही उनको कहा कि आप उनको पुष्प अर्पित कीजिए और मन में एक भावना लीजिए और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और हमेशा देश को सर्वोपरि रखते हैं। झज्जर के हसनपुर गांव से गोविंद के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।